नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन। मेरे YouTube चैनल टेक्नोमैन फॉर यू पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक धमाकेदार अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को Lenovo IdeaPad S145 की अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि ये लैपटॉप आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे टेक्निकल वीडियो तुरंत सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी बॉक्स पैकेजिंग। तो चलिए हम इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो देखिए, बॉक्स पैकेजिंग काफी सही है। इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि रहा हमारा लैपटॉप, इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमें इस बॉक्स के अंदर और क्या देखने को मिलता है, यह है हमारी यूजर मैनुअल और सेटअप गाइड। तो इसको हम आराम से बाद में पढ़ेंगे, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। दोस्तों, एक और बॉक्स है जिसमें शायद चार्जर रखा हुआ है, इसमें हमें चार्जर देखने को मिल जाता है। ये देखिए चार्जर, पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और दोस्तों, बॉक्स के अंदर अभी हमको कुछ और नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैपटॉप को। तो आइए हम इसको खोल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा लैपटॉप हमारे सामने है। और फर्स्ट इम्प्रेशन दोस्तों, इसका मुझे बहुत ही औसम लग रहा है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये एयर पासिंग के लिए दे रखा है। और दोस्तों, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। तो दोस्तों, इसके कीबोर्ड में भी काफ़ी अच्छी स्पेसिंग दी हुई है, तो टाइपिंग करने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये यहाँ पर इसकी पावर ऑन ऑफ बटन दी हुई है। दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमको चार्जर मिलता है, साथ ही यूजर मैनुअल और सेटअप गाइड मिल जाती है और लैपटॉप मिल जाता है। इसके अलावा हमें इसके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिला है, ना तो आपको बैग मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की और डिज़ाइन की। इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट लगी है और मैंने इसे प्लेटिनम ग्रे कलर का ऑर्डर किया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका वेट 1.85 kg है, जो कि हाथ में लेने पर काफ़ी लाइट वेट लगता है। और दोस्तों, वहीं इसकी थिकनेस की बात करूं तो इसकी थिकनेस 19.9 mm है और इसमें वेजल्स भी काफ़ी नैरो हैं, जिस वजह से आपको एक बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, ये लैपटॉप उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है जो कि मैक्सिमम ट्रैवलिंग करते हैं। साथ ही ये लैपटॉप प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों, अगर मैं अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों, इसमें 15.6 इंच की एक फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 8th जनरेशन के साथ आता है। और वहीं इसके प्रोसेसर स्पीड की बात करूं तो 2.2 GHz है। और ये लैपटॉप मैंने 4GB रैम वेरिएंट वाला मंगाया है, जो कि DDR4 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। दोस्तों, आप सभी में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि DDR4 का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, तो DDR4 का मतलब होता है डबल डेटा रेट फॉर सिंक्रोनाइजेशन। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके स्टोरेज की, तो आपको इसमें 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाती है, जो कि मैकेनिकल हार्ड ड्राइव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके हार्ड ड्राइव रोटेशन स्पीड की, तो इसमें हमको 5400 RPM की स्पीड देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके स्पीकर की, तो इसमें 1.5 वाट के दो ऑडियो डॉल्बी स्पीकर दिए हुए हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें 4GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी आता है। वहीं अगर बात करूं इसकी कनेक्टिविटी की, तो इसमें एक USB 2.0 का पोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही दो USB 3.0 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें हमको टाइप सी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो वहीं अगर ऑडियो पोर्ट की बात करूं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको एक माइक्रो पोर्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसको मैंने DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में परचेस किया है और इसमें मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही इंस्टॉल करने वाला हूं। दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ना परचेस करने का मेन कारण ये था कि वो 4,000 से 5,000 रुपये तक अधिक महंगा मिलता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, चाहे वो कोई लैपटॉप हो या फिर कोई स्मार्टफोन हो, तो इसमें 2 lithium ion सेल आते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं इसके चार्जर की, तो इसका चार्जर 45W आउटपुट के साथ में आता है। और दोस्तों, सबसे मेन चीज़ इसकी प्राइस कितनी है। तो ये मैंने अमेजोन से 31,990 रुपीज़ में मंगाया था,
हालांकि इसकी प्राइस 30,000 से लेकर 35,000 तक वेरी होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहते हो जिसमें कि 4GB रैम मिल जाए आपको, 1TB हार्ड डिस्क मिल जाए, साथ ही 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाए और एक अच्छी फुल HD स्क्रीन मिल जाए और साथ ही आपको एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से इस लैपटॉप को देख सकते हैं। तो ये लैपटॉप 30-35,000 के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को किसी ऐसे पर्सन के साथ में शेयर करें जो लैपटॉप लेना चाह रहे हों। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।